नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं गर्मी स्पेशल प्याज और कच्चे आम की एकदम चटपटी चटनी। तो आइए किस तरह बनानी है वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपी को यूँ ही लाइक देते रहिए। तो आइए बनाते हम प्याज और कच्चे आम की तीखी चटनी। आज हम बना रहे हैं गर्मियों में स्पेशल ऐसी कच्चे आम और प्याज की चटनी। बहुत आसान है, फटाफट बनती है, उतनी टेस्टी है ये। तो आइए किस तरह बनाना है वो देखते हैं। गर्मी स्पेशल चटनी बना रहे हैं हम कच्चे आम और प्याज की। इसके लिए हमने 3 प्याज लिए हैं और 1 कच्चा आम लिया है। और इसके लिए चाहिए हमें 4 लहसुन की कलियाँ, 1/2 टी स्पून हमने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून लिया है हमने भुना हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक लगेगा हमें स्वाद के अनुसार, और 8 से 10 लगेंगी हमें सूखी लाल मिर्च। हमें इसे तोड़ना है, लाल मिर्च को डंठल निकालने हैं इसके और बीच में से तोड़ लेना है, क्योंकि हमें इसे उबाल लेना है ताकि ये पक जाए। मिर्च को हमने तोड़ दिया है बीच में से और हमने इसका डंठल भी निकाल लिया है। आइए इसे पका लेते हैं। एक बर्तन रख दिया हमने गैस के ऊपर और इसमें डालेंगे हम पानी। गैस ऑन करेंगे और इसे पानी को उबलने देंगे। पानी गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च और इसे हम अच्छे से पकने देंगे, सॉफ्ट होने देंगे इसे। हमारी मिर्ची अच्छे से पक चुकी है, गैस ऑफ करेंगे और इसे हम बाजू में रखेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। प्याज को हम काट लेंगे, पहले इसका छिलका उतार लेंगे। और इसे हम काट लेंगे, इस तरह से हमें मोटा मोटा ही काटना है प्याज को, और सारे प्याज कट कर लेंगे हम इस तरह से। प्याज को हमने कट कर लिया है, इसी तरह से हम कच्चे आम को भी कट कर लेंगे। पहले इसका छिलका उतार लेंगे, डंठल निकालेंगे इसका और इसका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार लिया हमने आम का, इसे कट कर लेंगे एकदम, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मोटे नहीं, छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इसे इस तरह से। हमें कट कर लेना है, कच्चे आम को भी हमने काट लिया है और प्याज को भी काट लिया है हमने। तो आइए हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी का जार लिया हमने, इसमें डालेंगे हम ये मिर्ची, प्याज भी डाल लेंगे इसमें, और हम एक बार इसे मिक्सी में घुमा लेंगे। हमने ये मिक्सी में प्याज और लाल मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये कच्चा आम, लहसुन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हमने, अब इसे मिक्सी में एक बार हम चला लेंगे। तैयार है हमारे कच्चे आम और प्याज की चटनी। तो आप ज़रूर बना के देखिए, और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर इसे लाइक दीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तैयार है हमारी गर्मी स्पेशल कच्चे आम की और प्याज की चटनी। बहुत ही आसान है और फटाफट बनती है और उतनी ही टेस्टी भी है। ज़रूर बना के देखिए और आपके अनुभव ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपी को यूँ ही लाइक देते रहिए, इन्हें यूँ ही शेयर करते रहिए। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूँ ही आशीर्वाद देते रहिए। और ये मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।